ये फ्लैश मत मारो, फ्लैश बंद करो। अनिकेत, हाँ अनिकेत, क्या बोलते हैं? जिया प्रकाश हो गया। अरे फ्लैश मत करो। अंकित, अभी मार खा लेते हैं। दिग्विजय, हाँ मार भाई, करीब से खड़े इधर। चलता इतना आगे जाकर तो बस चेहरा ही आ रहा है। अभी ले लो। हाँ चालू है सर, सफाई कर यार को पाचर जैसे। एक मिनट पीछे पीछे होना पड़ेगा सर। सर इधर इधर चले बाइट्स। हाँ एक तो बस यकीन नहीं हो रहा है, 14 साल पूरे हो गए। 2008 28 जुलाई को पहला एपिसोड सब जानते हैं टेलीकास्ट हुआ था, और आज 28 जुलाई 2022, मतलब भगवान की इतनी बड़ी कृपा हम सब पे है कि आज 14 साल पूरे होने के बावजूद भी ये शो अभी भी चल रहा है। और बस लोगों का जो प्यार मिला है, सब हमारे जो ऑडियंस है, जो इतने फ़ैन हैं, इतने प्यार से इस शो को सबने सराहा है, ना सिर्फ भारत में लेकिन पूरी दुनिया में, जहाँ भी हमारी ये चैनल आती है, सब टीवी आता है, तो हर जगह पूरी दुनिया में उन्होंने सबने इस हमारे शो को सराहा है, तो उनका तहे दिल से शुक्रिया। और बस इसी तरह आगे भी हम आपका मनोरंजन करने की कोशिश करते रहेंगे, बस आप इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहिएगा। पैंडेमिक के वक्त थोड़ी सी एक रुकावट आई थी इस जर्नी में, इतनी लंबी जर्नी में, तो उस समय कैसा एहसास था? क्योंकि हर हमेशा आप सेट्स पे रहते थे, शूट करते थे, और फिर शूट नहीं करना 3-4 महीने तक। सच कहूँ तो वो एक बहुत ही वेलकम ब्रेक था क्योंकि लगातार आप सोच सकते हैं कि 12 साल से, ये 2020 में जब पैंडेमिक का आया था तो 2008 से 2020 लगातार 12 साल से हम लोग करते आ रहे थे, तो शुरू में तो थोड़ा सा हमें ये लगा कि चलो थोड़ा इसी बहाने थोड़ा सा आराम मिल गया, लेकिन जिस तरह से लोगों की तकलीफ़ें जब सुनने को आती थी कि जिस तरह से कितने लोग परेशान, कितने लोगों के पास काम नहीं, जो अपना काम था वो छूट गया, कितने लोगों की नौकरियां छूट गई, कितने बिजनेसेस बंद हो गए, तो उस वक्त वो सब पढ़ के सुन के देख के बहुत ही तकलीफ़ होती थी कि ये ऐसा वक्त क्यों भगवान हम सबको दिखा रहा है, और जल्द से जल्द भगवान हम सबको इससे बाहर निकाले ताकि फिर से सबकी ज़िंदगी पहले की तरह खुशनुमा हो जाए, पहले की तरह बिजी हो जाए सब, और पहले की तरह सब अपने अपने काम में जुट जाए। तो बस भगवान ने कृपा की, बहुत थोड़े समय के बाद फिर से थोड़ा थोड़ा करके सबका काम शुरू हो गया। सर आल्सो इस जर्नी में काफ़ी लोग जुड़े, काफ़ी जुदा भी हो गए, कुछ ऑब्वियसली बात है कि हेल्थ रीजंस की वजह से कुछ, तो आज ऐसे मौके पर जब सेलिब्रेशन का मौका आता है वो कितने याद आते हैं, जैसे नट्टू काका हो गए, डॉक्टर? सवाल ही नहीं, बिल्कुल, मतलब आज सिर्फ आज ही नहीं, हम तो हर रोज़ याद करते हैं, जो भी हमारे जितने गंजाम भाई है या आज़ाद भाई है, हमारे मेकअप दादा आनंद दादा वो भी गुजर गए पेंडेमिक के पहले, फिर हमारे प्रोडक्शन वाले थे अरविंद मर्चंडे, वो काफ़ी यंग एज में करीब 4-5 साल पहले सबसे पहले वो गुजरे, फिर हमारे प्रोडक्शन वाले एक शिशुपाल जी करके थे, वो भी बहुत यंग, वो भी अभी कुछ ही समय पहले वो भी गुजर गए। तो एक ये देखिए, हम 12 घंटे की शिफ्ट करते हैं रोज़ लगातार, तो एक हमारी फैमिली से ज़्यादा हमने यहाँ सेट पे यह फैमिली के साथ समय बिताया है, तो ये भी हमारी अपनी एक फैमिली है, तो जब फैमिली का कोई सदस्य ऐसे जाता है, छूट जाता है, तो दुख तो बहुत होता है डेफिनेटली, और ऐसे मौके पे तो वो ख़ास याद आते हैं, मिस करते हैं कि आज वो हमारे साथ होते तो बहुत मज़ा आता। लेकिन एक जो हमेशा आपके दिल के खास करीब हो, खास हो, तो क्या हो?
ये सवाल मुझे हर बार पूछा जाता है, लेकिन बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना, क्योंकि आप समझ सकते हैं 14 साल की जर्नी और 3500 एपिसोड, बहुत मुश्किल है एक पर्टिकुलर कोई एक किस्सा याद करके बताना। सबका बस ये एक कमेंट तो बहुत ही कॉमन होता है, बस यही कहते हैं कि प्लीज़ इस शो को कभी बंद मत करना, इसको इसी तरह चलते रहने देना। मतलब ये तो आप लोगों के हाथ में, आप जब तक शो देखते रहेंगे हमारा शो चलता रहेगा, और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग इस शो से जुड़े हुए हैं, चाहे कैमरे के सामने हो या कैमरे के पीछे हो, उन सबकी तंदुरुस्ती अच्छी रहे, सबकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे, ताकि हम सब मिलजुल कर लोगों का और मनोरंजन कर सके। स्क्रिप्ट शूटिंग तो बस हर एक दिन को हमने एंजॉय किया है, और सब लोगों ने साथ में मिलके काम किया है। मेरी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि हर मुश्किल समय में वो लोग मेरे साथ खड़े रहे। नहीं नहीं, याद तो आती है, कवि कुमार आज़ाद जो हंसराज हाथी का किरदार निभाते थे, घनश्याम नायक जो नटू काका का किरदार निभाते थे, और हमारे प्रोडक्शन के कुछ साथी थे अरविंद मरचंडे, विनोद शिशुपाल, हमारे मेकअप मैन आनंद परमार, कुछ लोग इस दुनिया छोड़ के चले गए तो दुख होता है, लेकिन हमें विश्वास है वो जहाँ कहीं भी होंगे हमारा ये शो ज़रूर देखते होंगे, मुस्कुराते होंगे, और उनके आशीर्वाद हमारे साथ है। नहीं, बहुत सारी मोमेंट्स है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हैं जो बताना मुश्किल है कि उसके लिए पूरा एक दिन भी कम पड़ जाए, लेकिन हमारे लेखकों ने हमेशा मुझे साथ दिया है, क्योंकि रोज़ शूटिंग होता है, ये एवरीडे का एपिसोड होता है, तो हमारा लेखकों का भी कमिटमेंट होता है, जो राइटर्स, अगर उनके हिसाब से अगर हमारी स्क्रिप्ट रुक गई तो सब मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभार राइटरों ने 24 घंटे तक मेहनत की है, हमारे एडिटर 4-4 दिन कभी घर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इतने सारे आर्टिस्ट हैं, तो हर एक सीन, हर एक का क्लोज, हर एक आर्टिस्ट को एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, तो सब लोगों की मेहनत है, बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, और ये सबके साथ है, यानी इसको एक घटना बोलना ये पता नहीं, लेकिन एक घटना मैं अवश्य कहूँगा, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको स्वच्छ भारत अभियान के साथ जोड़ दिया, जो हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, उन्होंने ऐसे ही अनाउंस कर दिया कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम को मैं स्वच्छता भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाता हूँ, तो ये मेरे सौभाग्य की क्षण थी, और बहुत लोगों का प्यार मिला है, पूरे देश विदेश में लोग देखते हैं, कहीं भी जाते हैं, USA, UK, कनाडा, सब लोग का बहुत प्यार मिलता है, कि आपने तो भारतीय संस्कृति, हमारा ऐसा लगता है कि हम हमारे घर में ही हैं, हम इंडिया में ही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। पहला दिन थोड़ी अलग चैलेंज थी, पहला दिन ऐसा था कि वो सीन अच्छा शूट हो जाए, अच्छे से सब कुछ होगा, और आज का दिन थोड़ी अलग चैलेंज है, आज अलग टेंशन होते हैं, अलग चैलेंजेस होते हैं, लेकिन पहला दिन था तो सब लोग कुछ करने के वो एक करने का कुछ एक मनोबल था कि हम कुछ अच्छा शो बनाएंगे, और आज भी वही मनोबल है कि आने वाले एपिसोड भी हमारे सबसे अच्छे हो। बहुत खुशी मिलती है, इसीलिए हम इसको स्माइल ऑफ इंडिया कहते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिनी इंडिया है, स्माइल ऑफ इंडिया है, क्योंकि ये शो से सबको हैप्पीनेस मिलती है, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं सबको हैप्पीनेस दे पा रहा हूँ। थैंक यू। बस आप सभी लोग हंसते रहो, मस्त रहो,
हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, भगवान हमको कोई भी परिस्थिति में रखे हमारे चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा रहे। बस आप सबको वही शुभकामना देता हूँ और आप सभी का प्यार हमारे पर बना रहे। थैंक यू। बहुत सारी यादों का एक कारवां मैं बोल सकता हूँ 2008 से लेकर 2022। ये एक्चुअली आप खुद सोच सकते हैं कि आप किसी शो में आप काम करते हो, मान लो आज 2022 है, 28 जुलाई 2022 मैंने एक शो में काम करना शुरू किया, पता चला कि 2036 में भी मैं वही शो कर रहा हूँ, ये मैं प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता था। तो उसी वही बात है कि अगर 2008 में मैं शो में मैं सिलेक्ट हुआ और हमने काम करना शुरू किया, किसी को नहीं पता था उस वक्त, तो हमेशा रहता था कि हाँ यार शो तो मिला है, डेली शो मिला है, चलो अच्छा है, एक दो साल देखते हैं क्या है, लेकिन देखते ढूंढना पड़ेगा, दूसरा कुछ तो काम ढूंढना पड़ेगा। एज ए एक्टर ये सोचते थे हम लोग, मेरे जैसे और भी कलाकार है वो सोचते थे। लेकिन 2009 में जैसे वो टर्निंग पॉइंट हुआ कि नहीं, लोगों को कुछ तो इसमें बात नज़र आ रही है। इसी हालांकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का प्लॉट कोई नया प्लॉट नहीं है, ऐसे कई प्लॉट पहले भी आके गए हैं, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि हम सर एक कलाकार नए थे उस दरमियान, जो ऑथेंटिक थे, मराठी मराठी, पंजाबी पंजाबी, पारसी पारसी, साउथ इंडियन, बंगाली बंगाली, गुजराती। तो उस वजह से हर एक भाषा का जो एक जो लहजा होता था, हर एक भाषा की जो एक न्यूजेंस होती थी, वैल्यू होती थी, वो उसमें पूरी तरह से उतर आई उस कैरेक्टर में। मैं मराठी हूँ तो हमारे घर के सीन जैसे होते हैं टिपिकल महाराष्ट्र घर में, वैसे लोगों को देखने मिले, तो लोगों को ज़्यादा रिलेट कर पाए। एंड द मेन USP ऑफ द शो इज़ कि आप ऑडियंस रिलेट कर पा रही है इस शो से कि भाई मेरे घर में भी ऐसा होता है, ये सेम चीज़ मेरे घर में होती है। जो जेठा दया में होता है वो कितने सारे गुजराती घरों में होता होगा, जो भीड़े आदमी होता है कितने सारे महाराष्ट्र घरों में होता होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, जैसे सरदार और पारसी का संगम ही कितनी अजीब, मतलब एक विचित्र बातें सुनने में, लेकिन एक सरदार जी और पारसी साथ में रह रहे हैं, उनका लव मैरिज है, एक अपने आप एक अलग बात है। बिल्कुल बहुत मिस किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक दूसरे के साथ इतने साल से काम कर रहे हो कंटिन्यू, आप रोज़ उनको 12-12 घंटे बातें कर रहे हो, उनके साथ सीन कर रहे हो, अचानक वो इंसान अगर चला जाए तो बहुत दुख होता है। ऐसे हमारे कलाकार हमारे बीच नहीं रहे, हमारे घनश्याम जी, नटू काका जी नहीं रहे, हमारे आज़ाद जी, हमारे डॉक्टर हाथी, वो नहीं रहे, लेकिन इसमें चमत्कार भी उतने ही हुए हैं। जैसे हमारे ऑडियंस को सभी को मालूम है कि निर्मल जो अभी हमारे डॉक्टर हाथी थे, वो सबसे पहले एपिसोड में डॉक्टर हाथी की भूमिका निभा रहे थे, फिर कुछ वजह से वो भूमिका नहीं कर पाए, फिर हमारे बीच आज़ाद जी आए, उन्होंने 10 साल तक काम किया, और देखो घूम फिर के निर्मल को वापस आना था इस शो में क्योंकि उसका भाग यहाँ पर लिखा हुआ था, फिर वो डॉक्टर हाथी की भूमिका में वापस आ गए। तो ऐसे कई सारे चमत्कार इस शो के साथ हुए हैं। मेरा बस इतना मानना है कि भाई अपने कर्म करते जाना है, ऊपर वाला देख रहा है इस शो को, क्योंकि हमें ऑडियंस के इतने सारे आशीर्वाद मिलते हैं। सी एप्रिसिएशन सभी शो को मिलता है, लेकिन ब्लेसिंग्स जो मिलती है ना, कि जैसे हमें कोई भी फ़ैन मिलता है, कोई भी बुजुर्ग आदमी मिलता है, तो उनको ऐसा लगता है नहीं आपका शो चलता रहे, क्या आपके शो से मेरा बेटा मेरे साथ खाना खाने लगा है, मेरा पोता मेरे साथ खाना खाने लगा है, तो ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल से एक कॉम्प्लीमेंट है हम सबके लिए। बिल्कुल बहुत खुशी होती है, जैसे हमारे काफ़ी सारे फैन पाकिस्तान में भी है, दुबई में है, UK में है, यूरोप में है, काफ़ी सारी जगह। मुझे तो आश्चर्य तब हुआ था जब मैं दुबई गया था मेरे कुछ काम से, और वहाँ पे फिलिपिनो मुझे मिले थे, दो तीन लोग ऐसे मिले थे कि उन्होंने यू वर्क इन दैट मुश्ताज गए, तो मतलब वो भी ये सीरियल देखते हैं, वहाँ पे सबटाइटल्स के साथ सीरियल आता है, तो उनमें भी ये सीरियल, मतलब उनको भी इतनी लोकप्रियता है वहाँ पे भी। हमारी इंडियंस तो खैर देखते ही है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया अदर देन इंडियन पीपल ऑल्सो इन्जॉय दिस सीरियल, सो दैट इज़ समथिंग वेरी मिरेकुलस। हाँ
सी देखो ना, वो भी कैरेक्टर बन गया, पोपटलाल की क्षत्रिय कैरेक्टर बन गया, मेरा सखारा में कैरेक्टर बन गया, क्योंकि भिड़े एक आम मिडिल क्लास इंसान है, उसकी कुछ वैल्यूज़ है, वो अगर कोई पैसे देके कोई चीज़ खरीदता है तो उस चीज़ से उसको लगाव हो जाता है, जैसे सखाराम है, क्योंकि उसने उसका साथ दिया है, पहले वाला जो स्कूटर था उसने भी उसका काफ़ी साथ दिया, फिर माधवी ने उसको सखाराम गिफ्ट किया, उसके बाद उसका भी उसके साथ लगाव बन गया, तो एक छोटी छोटी चीज़ें होती है बहुत बहुत मैटर करती है, क्योंकि हमारे इंडिया में 90% लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेते हैं, और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में यही है कि छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेना, सो दैट इज़ अ USP। जी 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 वही तो हमारे भी, मैं क्या बोलता हूँ ना कि हमें पहले कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे, फिर हमें कंप्लेंट्स आने लगे, कॉम्प्लीमेंट की जगह कंप्लेंट ने ले ली कि पूरा दिन तारक मेहता देखता रहता है, अब उसको कुछ बोलो तो बोलना पड़ता है कि भाई 8:30 से 9 के बीच में तारक मेहता देखना है, बाकी टाइम पढ़ाई करनी ज़रूरी है, बहुत सारे दूसरे काम भी होते हैं वो भी ज़रूरी है। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ द शो कि आज मैं भी अगर मुझे टाइम मिलता है, वक्त मिलता है, तो मैं पुराने एपिसोड देख के अपने आप को थोड़ा सा चार्ज अप कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें भी एक अलग मज़ा था, क्योंकि सी तारक मेहता इज़ अ वे ऑफ लाइफ नाउ, आप उसको सीरियल नहीं बोल सकते, क्योंकि तारक मेहता एक लाइफ के साथ चल रहा है, 2008 में जो तारक मेहता था वो भी 2022 में नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्वियसली 2008 में जो सिचुएशन थी वो 2022 में नहीं होगी, वो अलग होगी, तो उस हिसाब से आगे जाना पड़ेगा। बस यही मैसेज कुछ नहीं है, मैसेज देने वाले हम कोई नहीं है, बस तारक सभी फैन से इतना ही एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि जैसा 14 साल से आपने ये प्यार दिया है, आगे भी जब तक ऊपर वाले की मर्जी है हम लोग ये शो चलाते रहेंगे, जब तक आपका प्यार मिलता रहेगा हम लोग ये शो चलाते रहेंगे, बस प्यार मिलता रहे, थैंक यू वेरी मच। ओके कम नेक्स्ट टू and one all together, go. Go all together. Go stand on the other stand. This side, this side. Thank you so much. Even I want.